क्लास टेन का चैप्टर सिक्स हम लोग देख रहे हैं। ये बायो का चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है लाइव प्रोसेसेस। पहले वीडियो में हम लोग लाइव प्रोसेसेस क्या है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंसेस क्या है और मेटाबॉलिज्म क्या है, ये हम लोग पढ़े थे। इसके बाद इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं न्यूट्रिशन। टॉपिक हमारा ये यहाँ से स्टार्ट होता है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या है? टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। फूड को लेना और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना बॉडी में, ये है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दो तरह का है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, तो इस टॉपिक को हम लोग तोड़ कर देखते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स नॉरिशमेंट। इसका अर्थ क्या हुआ? सेल्फ नॉरिशमेंट। और अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दोज ऑर्गेनिजम्स विच मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस के थ्रू, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स अभी हम लोग पढ़े सेल्फ, और ट्रॉप्स मीन्स नॉरिशमेंट। और इसका एग्जांपल क्या है? ऑल ग्रीन प्लांट्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं जिसको हेटरोट्रॉप्स लेते हैं। और जो दूसरा टॉपिक है, दोनों को अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा पहले देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा डिटेल में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो टॉपिक है वो है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अभी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग देख रहे हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, तो इसको भी हम लोग इस न्यूट्रिशन को भी अलग अलग तोड़ते हैं। तो हेट्रोज मीन्स अदर और ट्रॉप्स मीन्स, तो आपको अभी बताया ही गया, नॉरिशमेंट। दोज ऑर्गेनिजम्स विच टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फूड तो लेते हैं लेकिन ऐसे फूड को लेते हैं जो खुद नहीं बनाते हैं, जिसको प्लांट प्रिपेयर्ड करते हैं उसको लेते हैं। और इसका एग्जांपल क्या हो गया? एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। फिर अब हम लोग देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है और किस प्रोसेस के थ्रू यह प्रोसेस कंप्लीट होता है, या ग्रीन प्लांट्स किस प्रोसेस के थ्रू ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं या अपना फूड खुद बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ये है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हम लोग जानते हैं कि प्लांट क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और हम लोग पानी पटाते ही हैं, तो ये हो गया H2O, CO2 और H2O। और प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स बताया गया स्टूडेंट्स कि ग्रीन प्लांट्स एग्जांपल ये बताया गया जिसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो ग्रीन प्लांट्स हमने क्यों बताया? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में पिगमेंट है क्लोरोफिल, और सनलाइट के प्रेजेंस में यह प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो क्या क्या है प्रेजेंस में? क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर प्लांट अपना फूड बनाता है। जो ये केमिकल प्रोसेस है C6H12O6 मीन्स ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है जिसको कि हम लोग लेते हैं। और बदले में ये हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज होता है जिसको कि हम लोग रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज क्या हुआ? ऑक्सीजन। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है
फोटोसिंथेसिस का और एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि ये रिएक्शन आपको बताया गया। इसमें कुछ इवेंट्स हैं, ये इवेंट्स हैं, कुछ प्रोसेस है, ये थ्री स्टेप्स में ये इवेंट्स कंप्लीट हो रहा है। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। इस प्रोसेस में मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, पहला जो प्रोसेस है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है, दूसरा है कन्वर्शन ऑफ लाइट इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट है, सनलाइट जो लिया गया, ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और तीसरा इवेंट्स है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन प्रोसेस होता है, रिडक्शन प्रोसेस का मतलब ही होता है जिसमें कि ऑक्सीजन अलग होता है तब रिडक्शन प्रोसेस होता है, और ऑक्सीजन किसी से जुड़ता है तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, जो आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है क्लास 10 में ही। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एस्टोमाटा। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसका डायग्राम भी आता है, इसलिए आपके बुक में डायग्राम है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। तो एस्टोमाटा क्या है, ये क्लास 7 में भी आप पढ़े हैं। ए टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स कॉल्ड एस्टोमाटा। एस्टोमाटा क्या है, ए टाइनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के सरफेस पर, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टोमाटा। और इससे क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है एस्टोमाटा का, तो गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए गैसियस एक्सचेंज होता है एस्टोमाटा के थ्रू। और ये है एस्टोमाटा का डायग्राम है, जिसमें गार्ड सेल है, इसे गार्ड सेल ओपन होता है और क्लोज होता है, इसका ये फंक्शन है। और एस्टोमेटल पोर होता है, जब ये गार्ड सेल क्लोज होता है तो एस्टोमेटल पोर ये क्लोज हो जाता है, और फिर ओपन होने पर एस्टोमेटल पोर ओपन होता है। और क्लोरोफिल तो लिप में होता ही है, इसलिए ये क्लोरोप्लास्ट है। यह लेवलिंग किया गया, वेल लेवल डायग्राम आप प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो फोटोसिंथेसिस का इवेंट्स था वो भी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, वो इवेंट्स आता है, इसलिए आप उसको भी प्रैक्टिस करेंगे। ये जो इवेंट्स आपको थ्री इवेंट्स बताया गया है, इसको आप बढ़िया से पढ़ेंगे, याद कर लेंगे, और बार बार टॉपिक को पढ़ें। और इसमें आपके लिए होमवर्क है, ड्रॉ एस्टोमाटा वेल लेवल डायग्राम ऑफ एस्टोमाटा। ये आप डायग्राम अच्छे से बनाएंगे, कलर करके बनाएंगे। धन्यवाद, आज का क्लास इतना ही।